चलिए आज की क्लास में बात करते हैं एक्सरसाइज 7.9 के बारे में। सबसे पहले कि भाई इंटीग्रेशन की इस एक्सरसाइज में जो है वो हमें क्या लगानी है, लिमिट। जब लिमिट गिवन हो इंटीग्रेशन के अंदर वो होता है डेफिनेट इंटीग्रल। डेफिनेट इंटीग्रल मतलब लिमिट जो है ए टू बी है, ये लोअर लिमिट है और ये अपर लिमिट है। और इसके बाद यदि किसी वैल्यू का हम इंटीग्रेशन करते हैं तो आपको पता है एक्स का इंटीग्रेशन जो है वो क्या होगा, एक्स स्क्वेयर बाय टू। इंटीग्रेशन करने के बाद आपको सी नहीं लगाना है, ये लिमिट लगेगी ए टू बी। अब जहां आपका वेरिएबल है वहां पे पहले अपर लिमिट रखेंगे, 1/2 है बाहर क्योंकि कॉन्स्टेंट टर्म है। जो वेरिएबल होगा उसकी जगह पे पहले बी की वैल्यू रखेंगे, बी स्क्वेयर और माइनस ए स्क्वेयर, यानी कि अपर माइनस लोअर। तो इस तरह से लिमिट लगानी है और ये आपका डेफिनेट इंटीग्रल है। बात करें ए टू बी डी एक्स, तो इंटीग्रेशन जो है 1 का एक्स होता है, अब प्लस सी लगाना नहीं है, लिमिट लगानी है ए टू बी। एक्स की जगह पे वैल्यू रखेंगे बी माइनस ए, ये हमारा आंसर आ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। अब यहां इंटीग्रेशन करें एक्स प्लस वन का, तो एक्स का इंटीग्रेशन जो है वो एक्स स्क्वेयर बाय टू और वन का इंटीग्रेशन एक्स, और इस पर लिमिट लगाएं तो लिमिट जो है वो माइनस वन से वन। अब सबसे पहले एक्स स्क्वेयर पर लिमिट लगाते हैं, तो 1/2 जो है वो बाहर रखेंगे, ये हमारी अपर लिमिट है, तो एक्स स्क्वेयर की जगह पे पहले 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वेयर और फिर बीच में माइनस लगाएंगे, फिर लोअर लिमिट रखेंगे तो माइनस 1 का स्क्वेयर। अब प्लस एक्स पे लिमिट लगाएं तो ये हो गया हमारा अपर लिमिट माइनस लोअर। वन बाय टू, वन माइनस वन प्लस वन माइनस माइनस प्लस वन, ये ज़ीरो हो गया, ये टू, तो ज़ीरो प्लस टू जो फाइनल आंसर है वो हमारा टू आ गया। अब बात करते हैं 1/x की। 1/x का जो इंटीग्रेशन है ये होगा हमारा log x, और इस पे लिमिट जो है वो 2/2 से 3 है, तो पहले 3 रखेंगे, log 3 माइनस log 2, यानी कि अपर माइनस लोअर। अब दोनों वैल्यू में से log जो है वो हम कॉमन ले सकते हैं, तो log यदि हम दोनों में से कॉमन लेते हैं तो बीच में दोनों वैल्यू के माइनस है, और आपको पता है कि log की प्रॉपर्टी ये कहती है अगर मिडल में माइनस है तो दोनों वैल्यू, ये सेकंड वाली वैल्यू जो है वो डिवाइड में चली जाएगी, तो log कॉमन लेने से 3/2 आ जाएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की। अब इसे इंटीग्रेट करें तो ये हो गया हमारा 4, कॉन्स्टेंट वैल्यू यो क्यों, एक्स क्यूब का एक्स की पावर 4 अपॉन में 4 माइनस 5, कॉन्स्टेंट है यो का यो, एक्स स्क्वेयर का इंटीग्रेशन एक्स की पावर 3 अपॉन 3 प्लस 6 एज इट इज, और एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वेयर बाय 2, 9 कॉन्स्टेंट वैल्यू है तो 9 यो का यो
और वन का इंटीग्रेशन क्या होता है एक्स। अब सी हमें लिखना नहीं है, हमें क्या लगानी है, डेफिनेट इंटीग्रल है तो लिमिट, वन से टू हमारी लिमिट गिवन है, तो ये लगाएंगे, ये फोर फोर हमारा कैंसिल हो गया, x की पावर फोर इस पर लिमिट लगाएं तो अपर माइनस लोअर, यानी कि टू की पावर फोर माइनस वन की पावर फोर, ये हो गया हमारा x की पावर फोर का लिमिट लगाने के बाद वैल्यू आ गई। अब सेकेंड फाइव बाय थ्री कॉन्स्टेंट वैल्यू है, यों क्यों एक्स क्यूब की जगह पे पहले हमें टू रखना पड़ेगा, टू की क्यूब, उसके बाद माइनस वन की क्यूब, और ये कैंसिल हो गया थ्री, एक्स स्क्वेयर जो है ये टू का स्क्वेयर माइनस वन का स्क्वेयर प्लस नाइन इंटू टू माइनस वन, टू की पावर फोर सिक्सटीन माइनस वन ये फिफ्टीन आ गया, फाइव बाय थ्री एट माइनस वन ये सेवन आ गया, प्लस फोर माइनस वन ये थ्री इंटू थ्री नाइन, प्लस टू माइनस वन तो ये नाइन, नाइन नाइन एटीन और फिफ्टीन ये हमारा थर्टी थ्री माइनस थर्टी फाइव बाई थ्री। एलसीएम ले तो 99 माइनस 35 अपॉन 3 4 और 6 बाय 3, 64 बाय 3 जो है वो फाइनल आंसर आ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, यहां पे वैल्यू जो है वो साइन 2x है, यदि साइन 2x का इंटीग्रेशन करें तो ये माइनस कोस 2x अपॉन में 2 आ गया, और इस पे लिमिट जो है वो 0 से पाई बाय 4, माइनस 1 बाय 2 जो है वो बाहर लिखेंगे और लिमिट लगाएं इस पे कोस 2 इंटू पाई बाय 4 माइनस कोस 2 इंटू 0, एक्स की जगह पे वैल्यू रखनी है पाई बाय 4 और 0, अपर माइनस लोअर, माइनस वन बाय टू ये कोस पाई बाय टू, और कोस पाई बाय टू की वैल्यू जो है वो वन होती है, और ये आ गया कोस ज़ीरो, कोस ज़ीरो की वैल्यू सॉरी कोस पाई बाय टू की वैल्यू ज़ीरो होती है और कोस ज़ीरो की वैल्यू जो है वो वन होती है, तो ये ज़ीरो माइनस वन। अब माइनस वन इंटू हाफ माइनस हाफ हमारा आंसर जो है वो आ गया हाफ। अब कोस टू एक्स जो है इसे इंटीग्रेट करें, कोस 2x का इंटीग्रेशन साइन 2x अपॉन में 2 और लिमिट लगाएं 0 से पाई बाय 2, तो 1 बाय 2 है वो बाहर आ जाएगा और साइन 2 इंटू पाई बाय 2 माइनस साइन 2 इंटू 0। अब ये साइन पाई, साइन पाई की वैल्यू ज़ीरो होती है और ये साइन ज़ीरो की भी ज़ीरो होती है, तो जो फाइनल आंसर है वो हमारा ज़ीरो आ गया, क्योंकि ज़ीरो इंटू हाफ ज़ीरो। ई की पावर एक्स, एक्सपोनशियल का इंटीग्रेशन जो है वो एज इट इज़ होता है, इस पर लिमिट लगाएं तो लिमिट जो है वो फोर टू फाइव है, ई की पावर फाइव माइनस ई की पावर फोर ये हमारा आंसर आ गया। तो ये यहाँ तक हमारे क्वेश्चन नंबर फोर फाइव और सिक्स जो है वो कंप्लीट हो गए हैं। नंबर सेवन, अब इसी यहाँ पे इंटीग्रेशन करें टेन एक्स का, तो टेन एक्स का जो इंटीग्रेशन है वो लॉग सेक एक्स और लिमिट जो है वो ज़ीरो से पाई बाय फोर। अब यहाँ लिमिट लगाएं तो लॉग सेक पाई बाय फोर माइनस लॉग सेक ज़ीरो।
अब sec पाई बाय 4 जो है वो रूट 2 और sec 0 जो है वो 1। अब log 1 जो है वो 0 होता है, log 1 की वैल्यू 0 होती है, तो आंसर जो है वो log रूट 2 आ गया। और इसे आप चाहो तो रूट का मतलब होता है पावर हाफ, हाफ आगे लिख सकते हो, पावर जो है लॉग लगने के बाद आगे आ जाती है मल्टीप्लाई में, हाफ लॉग टू ये भी लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो। अब बात करें कोसेक एक्स की, इसे इंटीग्रेट करना है। अब लिमिट जो है यहां पे पाई बाय 6 से पाई बाय 4 गिवन है, तो इस वैल्यू का इंटीग्रेशन करते हैं। कोसेक एक्स का जो इंटीग्रेशन है वो हमारा लॉग कोसेक एक्स माइनस कोट एक्स, ये हमारा इंटीग्रेशन आ गया। और लिमिट जो है वो पाई बाय 6 से पाई बाय 4। अब लिमिट लगाएं इस पे तो लॉग कोसेक पाई बाय 4 माइनस कोट पाई बाय 4 माइनस लॉग पाई बाय 6 कोसेक पाई बाय 6 माइनस कोट पाई बाय 6, ये हमारी लिमिट लग गई। अब इस पे अब वैल्यू रखेंगे लॉग कोसेक 45 जो है ये रूट 2 और कोट 45 1 माइनस लॉग कोसेक पाई बाय 6 ये 2 और कोट पाई बाय 6 ये रूट 3। अब लोग यहां पे कॉमन लें तो लोग कॉमन लेंगे, ये वैल्यू न्यूमरेटर में आ जाएगी और ये डिनोमिनेटर में, रूट 2 माइनस 1 अपॉन 2 माइनस रूट 3, ये हमारा आंसर आ गया। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर, इसे इंटीग्रेट करेंगे तो ये जो है साइन इनवर्स एक्स, क्या है ये साइन इनवर्स एक्स, और जो लिमिट है वो 0 से 1 है तो साइन इनवर्स 1 माइनस साइन इनवर्स 0। अब साइन इनवर्स 1 जो है वो हो गया हमारा पाई बाय 2 और साइन इनवर्स 0 जो है वो 0, तो आंसर जो है ये आ गया हमारा पाई बाय 2। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 10, अब यहां पे जो लिमिट है वो 0 से 1 है, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वेयर, तो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वेयर इसका इंटीग्रेशन डायरेक्टली हमारा टेन इनवर्स एक्स है और लिमिट जो है वो 0 से 1 है, तो टेन इनवर्स 1 माइनस टेन इनवर्स 0, ये हमारा टेन इनवर्स 1 जो है पाई बाय 4 होता है और टेन इनवर्स 0 0 होता है, तो हमारा जो फाइनल आंसर है वो पाई बाय 4। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 11 की, तो 1 अपॉन एक्स स्क्वेयर माइनस 1, इसे इंटीग्रेट करते हैं तो इसका जो फॉर्मूला है 1 अपॉन एक्स स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर का वो है 1 बाय 2 ए, ए की जगह पे 1 है तो लिखने की ज़रूरत नहीं, और लॉग एक्स माइनस ए यानी कि एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1, ये हमारा इंटीग्रेशन हो गया। अब इस पे जो लिमिट है वो 2 से
थ्री तक है तो वन बाय टू लॉग थ्री माइनस वन अपॉन थ्री प्लस वन माइनस लॉग थ्री टू माइनस वन अपॉन टू प्लस वन वन बाय टू लॉग ये आ गया हमारा टू बाय फोर यानी कि वन बाय टू माइनस ये वन बाय थ्री। अब लॉग कॉमन लाइन में से तो लॉग हमारा बाहर आ जाएगा और वन बाय टू और बीच में माइनस है तो ये डिवाइड में तो वन बाय टू डिवाइड वन बाय थ्री थ्री ऊपर चला जाएगा ये आ जाएगा थ्री बाय टू आंसर। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 12 की। क्वेश्चन नंबर 12 में कोस स्क्वेयर एक्स, अब कोस स्क्वेयर एक्स का डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं है तो हमें फॉर्मूला लगाना होगा। कोस स्क्वेयर एक्स का जो फॉर्मूला है वो है वन प्लस कोस टू एक्स, वन प्लस कोस टू एक्स। अभी इसकी जगह पे हमने ये पुट कर दिया वन प्लस कोस टू एक्स बाय टू और लिमिट जो है वो ज़ीरो से पाई बाय टू। अब इसे इंटीग्रेट करें तो वन बाय टू बाहर आ जाएगा और वन का इंटीग्रेशन एक्स और कोस का इंटीग्रेशन साइन टू एक्स और अपॉन में एक्स के साथ वैल्यू मल्टीप्लाई है टू तो इसलिए डिवाइड में क्या आएगा टू और लिमिट जो है वो ज़ीरो से पाई बाय टू। अब लिमिट लगाएं इस पे तो पाई बाय टू माइनस ज़ीरो ये वन बाय टू बार साइन टू इंटू पाई बाय टू माइनस साइन टू इंटू ज़ीरो ये आ गया। अब इसे सोल्व करें तो हाफ पाई बाय टू ये टू टू कैंसिल हो गया और साइन पाई की जो वैल्यू होती है वो ज़ीरो होती है और ये टू इंटू ज़ीरो ये भी ज़ीरो हो गया। साइन ज़ीरो की वैल्यू भी ज़ीरो होती है ये भी ज़ीरो ये भी ज़ीरो और ज़ीरो माइनस ज़ीरो ज़ीरो ही रहेगा तो ये आ गया हमारा फाइनल आंसर पाई बाय फोर। अब बात करें इस पार्ट की। अब यहाँ पे सोल्व करने के लिए डिनोमिनेटर को हमें टी पुट करना पड़ेगा तो पुट कर लेते हैं टी एक्स स्क्वेयर प्लस वन को। अब इसे डिफरेंशिएट करें तो जो डेरिवेटिव है वो टू एक्स, टू इधर चला जाएगा डी टी बाई टू और एक्स डी एक्स। इसे हटा के इसकी जगह पे डी टी बाई टू रखेंगे। अब यहाँ पे आप दो तरीके से इसे कर सकते हो, एक तो आप लिमिट चेंज कर सकते हो। अगर आप लिमिट चेंज नहीं करते क्योंकि लिमिट जो है वो एक्स के अकॉर्डिंग है, आपने फंक्शन को टी में कन्वर्ट कर दिया तो जब आप टी में कन्वर्ट करते हो तो आप लिमिट टी के अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो। अगर टी में कन्वर्ट नहीं करते तो वापस ये फंक्शन आपको एक्स में इंटीग्रेशन करने के बाद एक्स में ही लिखना पड़ेगा तब ये लिमिट लगेगी। तो हम लिमिट चेंज कर लेते हैं। अब जो लिमिट है वो टू है एक्स के अकॉर्डिंग, एक्स की जगह पर टू रखें तो टू का स्क्वेयर प्लस वन ये आ जाएगा फाइव और थ्री रखें तो थ्री का स्क्वेयर प्लस वन ये आ जाएगा टेन। अब इस वैल्यू की जगह पे हमारा डी टी बाई टू आ गया, हमने लिख दिया और ये वैल्यू टी। अब हमने फंक्शन को टी में ही कन्वर्ट कर दिया, इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टी है और लिमिट भी टी के अकॉर्डिंग है तो वापस इसे एक्स में कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। अब ये वन बाई टू
लॉग टी और जो लिमिट है वो 5 से 10, तो ये 1/2 लॉग 10 माइनस लॉग 5 अपर माइनस लोअर, 1/2 लॉग कॉमन लेंगे तो 10/5, अब 10/5 ये 10 है माइनस है तो डिवाइड में चला जाएगा, 10/5 जो है ये 2 आ जाएगा, तो ये हमारा आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 13 का। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 14 में जो लिमिट है वो 0 से 1 है और डिनोमिनेटर 5x² + 1 और न्यूमरेटर 2x + 3। अब इसे इंटीग्रेशन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसे सेपरेट, तो 2x / 5x² + 1 और लिमिट 0 से 1 प्लस 3, कॉन्स्टेंट वैल्यू है बाहर निकाल लेंगे, 1/5x² + 1 और dx। अब यहाँ पे जो डिनोमिनेटर है इसे हम t पुट करें तो न्यूमरेटर हमारा इसका डेरिवेटिव है, t पुट कर लेते हैं इसे 5x² + 1 और डिफरेंशिएट करें dt/dx, ये आ गया हमारा 10x। और जो dx है ये इधर चला जाएगा, क्वेश्चन में 10 नहीं है तो 10 हम इधर भेज देंगे, x dx की वैल्यू जो है वो हमारी आ जाएगी dt/10 x dx। तो x dx 2 कॉन्स्टेंट वैल्यू है बार 0 to 1 लिमिट, और x dx की जगह dt/10 और नीचे वाली वैल्यू जो है हमने t पुट कर दिया इसे, प्लस 3, 1/5 को लिख सकते हैं √5x² + 1 की स्क्वायर। अब इंटीग्रेशन करें तो ये 1/5 log t, लिमिट जो है वो 0 से 1 प्लस 3, 1/x² + a² ये होता है 1/a tan इनवर्स x/a, a की वैल्यू 1 है इसलिए मैंने 1/a की जगह पे 1 नहीं रखा, तो x ये पूरी वैल्यू x की जगह पे है, x/a यानी कि अपॉन में 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब जो वैल्यू x के साथ मल्टीप्लाई होती है वो हमारी डिवाइड में आ जाएगी, तो ये 5 हमारा डिवाइड में आ गया और लिमिट जो है वो 0 से 1। अब यहाँ लिमिट लगाएं तो पहले हमें t की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी 5x² + 1, 1/5 लोग यहाँ पे x की जगह 1 रखें तो 5 + 1 ये log 6 माइनस x की जगह 0 रखें तो ये t की वैल्यू क्या आ गई हमारी 1, तो log 1 ब्रैकेट प्लस 3/√5 और tan इनवर्स, पहले हम 1 रखेंगे तो ये √5 रह जाएगा, x की जगह पे 1 रखें तो, माइनस tan इनवर्स 0 रखेंगे तो √5 से 0 मल्टीप्लाई हो गए 0, ये हमारा फाइनल आंसर। log 1 की वैल्यू 0 होती है तो ये 0 हो जाएगा, 1/5 log 6 प्लस 3/5 tan इनवर्स 0 भी हमारा 0 होता है, तो 3/√5 tan इनवर्स √5 ये हमारा
फाइनल आंसर आ जाएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। यदि इस वैल्यू को टी पुट करें एक्स स्क्वेयर को, तो हमें पता है उसका डेरिवेटिव 2x होता है और x आगे मल्टीप्लाई में मौजूद है। तो टी पुट कर दिया हमने एक्स स्क्वेयर को, अब इसे डिफरेंशिएट करें डी टी बाई डी एक्स, तो 2x x इधर भेज देंगे, डी टी की वैल्यू जो है डी टी बाई टू, ये 2 इधर आ जाएगा इक्वल टू एक्स डी एक्स। तो एक्स डी एक्स ये वैल्यू हटके हमारे पास डी टी आ जाएगा डी टी बाई टू, और e की पावर जो है वो एक्स स्क्वेयर को t पुट किया है तो e की पावर t और डी टी बाई टू, 1/2 बाहर। अब x के अकॉर्डिंग हमारी लिमिट थी, हमने क्वेश्चन को t में कन्वर्ट कर दिया, लिमिट भी t के अकॉर्डिंग ही ले लेते हैं। तो x की वैल्यू अगर 0 रखें तो t की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। x की जगह पे 1 रखें तो 1 का स्क्वेयर t की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1। तो लिमिट फिर से 0 से 1 आ जाएगी, 1/2 e की पावर t का इंटीग्रेशन एज इट इज, और अब लिमिट 0 से 1, ये हाफ, और लिमिट लगाएंगे तो e की पावर 1 माइनस e की पावर 0, हाफ। किसी वैल्यू की पावर अगर 0 हो तो उसकी वैल्यू 1 होती है। ये हमारा आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 15 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 16 में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जो पावर है वो सेम है। जब आपकी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की पावर सेम हो तो पहले आपको न्यूमरेटर को डिवाइड करना पड़ेगा डिनोमिनेटर से, और फिर जो है उसे इंटीग्रेट करना होगा। तो 5x² को डिवाइड करें x² प्लस 4x प्लस 3 से, तो यहाँ 5x² है तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे इसे, 5 से, ये आ जाएगा 5x² प्लस 20x प्लस 15 माइनस, कैंसिल, माइनस 20x माइनस 15, ये हमारा रिमाइंडर आ गया। तो इस वैल्यू को हम कैसे लिखेंगे, 5 प्लस रिमाइंडर माइनस 20x माइनस 15 अपॉन कोशेंट, सॉरी डिवाइजर। और लिमिट जो है वो 1 से 2। इस वैल्यू का हम डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर सकते हैं, पर यहाँ पे हमें पार्शियल फ्रैक्शन लगाना पड़ेगा, तो इसे लिखेंगे माइनस 5, चाहे तो हम बाहर निकाल सकते हैं, तो इस वैल्यू से अदरवाइज माइनस 20x माइनस 15 अपॉन x² प्लस 4x प्लस 3 इक्वल टू a अपॉन x प्लस 1 b अपॉन x प्लस 3। इसके यदि हम फैक्टर करें तो ये हमारे क्या होंगे, x प्लस 1 और x प्लस 3। तो 7.5 जो एक्सरसाइज है पार्शियल फ्रैक्शन, उसमें हमने ये किया था कि भाई डिनोमिनेटर में जो भी फैक्टर हो उसे हम अलग अलग लिखेंगे और उनके ऊपर कॉन्स्टेंट वैल्यू लिखेंगे। तो इसके लिए आप 7.5 एक्सरसाइज देख सकते हो। अब एलसीएम लें तो माइनस 20x माइनस 15 ए एक्स प्लस 3 बी इंटू एक्स प्लस 1, और डिनोमिनेटर ये मल्टीप्लाई होके x² 4x प्लस 3
ये भी एक्स स्क्वेयर फोर एक्स प्लस थ्री कैंसिल हो गया। अब कंपेयर करके ए और बी की वैल्यू निकालते हैं, 20x माइनस 15 इक्वल टू ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस 3a प्लस बी। एक्स का कोफिशेंट यहाँ पे ए प्लस बी है और इधर माइनस 20, तो माइनस 20 इज इक्वल टू ए प्लस बी और माइनस 15 इज इक्वल टू 3a प्लस बी। अब दोनों इक्वेशनों को सोल्व करें, तो साइन चेंज, प्लस माइनस माइनस ये कैंसिल हो गया, 2a इक्वल्स टू 5, a की वैल्यू 5/2, ये हमारी a की वैल्यू आ गई। और यहाँ रखें तो b की वैल्यू ये इधर आ जाएगा, माइनस 20 माइनस 5/2 इक्वल्स टू बी, तो माइनस 40 माइनस 5 माइनस 40 5/2 इक्वल टू बी, ये हमारी बी की वैल्यू आ गई। अब ए और बी हमारा आ चुका है, अब इंटीग्रेट करें इसे 5 1 से 2 dx, ए की जगह पे 5/2 रखेंगे तो 5/2, अब इंटीग्रेशन जो है इस वैल्यू का होगा, ये इसके इक्वल है ना, रख के हमने ए बी की वैल्यू निकाली है, तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे, ए की वैल्यू 5/2 और 1/(x+1) और लिमिट हमारी 1 से 2 है। बी की वैल्यू माइनस 40 5/2 और लिमिट 1 से 2 और 1/(x+3). ये वैल्यू है हमारी। अब इंटीग्रेशन, 5 का इंटीग्रेशन 5x और लिमिट जो है 1 से 2, 5/2 log x+1 और लिमिट 1 से 2, माइनस 40 5/2 log x+3 और लिमिट जो है 1 से 2। अब यहाँ पे लिमिट लगाएं तो 5 कॉन्स्टेंट वैल्यू है, इसे हम बाहर लिखेंगे और x की जगह 2 - 1। अब ये 5/2 log x की जगह 2 रखें तो 2 + 1 = 3 माइनस log 1 + 1 = 2 माइनस 40 5/2। अब यहाँ 2 रखें तो log 2 + 3 5 माइनस 1 रखें तो log 1 + 3 4, ये आ गया हमारा। अब 2 - 1 = 1 होता है तो यहाँ पे 5 प्लस 5/2 log कॉमन लेंगे तो log 3/2 माइनस 40 5/2 log कॉमन लेंगे तो 5/4, ये हमारा आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 16 का। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। यदि इसे इंटीग्रेट करें तो 2 सेक्स स्क्वेयर का इंटीग्रेशन 10x प्लस x³ का x की पावर 4/4
और 2 का 2x, और इस पे लिमिट लगाएंगे 0 से पाई बाय 4। तो पहले यहाँ पे लगाएंगे 2 10 पाई बाय 4 माइनस 10 0 प्लस 1 बाय 4 पाई बाय 4 की पावर 4 माइनस 0 की 4 प्लस 2 पाई बाय 4 माइनस 0। 10 पाई बाय 4 की वैल्यू 1 होती है और 10 0 की 0, तो ये 1 माइनस 0 1 हो गया, तो 2 से मल्टीप्लाई होके 2 आ गया। 1 बाय 4 इंटू पाई की 4 और 4 की 4, ये बेस सेम है, 4 की पावर 5 हो जाएगा, प्लस 2 इंटू पाई बाय 4, ये हमारा पाई बाय 2, तो 2 प्लस पाई की 4, 4 की 5 प्लस पाई बाय 2, ये हमारा आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 17 का। अब क्वेश्चन नंबर 18, लिमिट जो है वो 0 से पाई है और साइन स्क्वेयर एक्स बाई 2 माइनस कोस स्क्वेयर एक्स बाई 2, यदि हम इसमें से माइनस कॉमन लें तो 0 से पाई कोस स्क्वेयर एक्स बाई 2 माइनस साइन स्क्वेयर एक्स बाई 2, इसे इंटीग्रेशन कर, इसका इंटीग्रेशन करना होगा, तो कोस स्क्वेयर एक्स बाई 2 माइनस साइन स्क्वेयर एक्स बाई 2, ये हमारा फॉर्मूला है कोस एक्स का। अब यहाँ पे कोस एक्स का यदि हम इंटीग्रेशन करें तो कोस एक्स का इंटीग्रेशन होता है साइन एक्स, और लिमिट जो है वो 0 से पाई है। अब यहाँ वैल्यू रखे साइन पाई माइनस साइन 0, तो साइन पाई की वैल्यू 0 होती है और साइन 0 की वैल्यू भी 0 होती है, तो ये हमारा आंसर जो है वो 0 आ गया। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की। अब 19 में क्या है कि ऐसा सिमिलर क्वेश्चन अभी हमने किया है, इसे सेपरेट कर सकते हैं हम 6x अपॉन एक्स स्क्वेयर प्लस 4 प्लस 3 अपॉन एक्स स्क्वेयर प्लस 4। 0 से 2 लिमिट, 0 से 2 नीचे वाली वैल्यू जो डिनोमिनेटर में है इसे हम टी पुट कर लेते हैं, तो टी पुट करें एक्स स्क्वेयर प्लस 4 को, तो जो डेरिवेटिव है ये हमारा 2x, 2 क्वेश्चन में नहीं है, 2 इधर भेज देंगे, dt by 2 x dx, तो x dx की जो वैल्यू है वो dt by 2 आ गई हमारी, 6 बाहर आ गया कॉन्स्टेंट वैल्यू है, और ये dt by 2, नीचे जो डिनोमिनेटर था इसे हमने टी पुट किया था। अब जब फंक्शन को हमने चेंज कर दिया तो लिमिट भी चेंज कर लेते हैं, x की वैल्यू 0 रखे तो t की वैल्यू क्या आएगी 4, और x की जगह 2 रखे तो 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4 8, t की वैल्यू क्या आएगी 8। अब ये 3 1 बाय t जो है वो log t, और लिमिट जो है वो 4 से 8, 3 log 8 माइनस log 4, log कॉमन लेंगे तो ये log 8 बाय 4 यानी कि 2। इस पार्ट की बात करें तो
थ्री हमारा कॉन्स्टेंट है बाहर आ गया और वन अपॉन एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर, वन अपॉन एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर का जो फॉर्मूला है वन बाय ए टेन इनवर्स एक्स बाय ए, ये हमारा इंटीग्रेशन हो गया और लिमिट जो है वो ज़ीरो से टू प्लस थ्री बाय टू। अब लिमिट लगाएंगे टेन इनवर्स टू बाय टू माइनस टेन इनवर्स ज़ीरो बाय टू यानी कि ज़ीरो प्लस थ्री बाय टू, टेन इनवर्स वन की वैल्यू पाई बाय फोर और टेन इनवर्स ज़ीरो है वो ज़ीरो, तो प्लस ये हो गया थ्री पाई बाय एट, ये हमारा आंसर आ गया थ्री लॉग टू प्लस थ्री पाई बाय एट। क्वेश्चन नंबर 19 का चलिए क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं। अब पहले x ex, यहाँ पे दो वैल्यू हैं मल्टीप्लाई में, तो यहाँ पे हम पहले इंटीग्रेशन बाय पार्ट लगाएंगे, ये हमारी फर्स्ट वैल्यू x और ये हमारी सेकंड, तो फर्स्ट यों की यों इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड और पूरी वैल्यू का इंटीग्रेशन। और इसके बाद साइन का इंटीग्रेशन करें तो साइन का पहले लिख लेते हैं जीरो से वन लिमिट और साइन पाई बाय फोर इंटू एक्स डी एक्स, एक्स ई एक्स का इंटीग्रेशन ई एक्स माइनस एक्स का डेरिवेटिव वन, ई एक्स का इंटीग्रेशन ई एक्स और दोबारा इंटीग्रेट करेंगे फिर से ई एक्स प्लस साइन का इंटीग्रेशन माइनस कोस पाई बाय फोर इंटू एक्स और जो भी वैल्यू एक्स के साथ मल्टीप्लाई है वो डिवाइड में, पाई बाय फोर डिवाइड में आएगा तो पाई और फोर जो है वो ऊपर चला जाएगा। अब लिमिट जो है वो क्या है ज़ीरो से वन, ये लगाएं तो पहले वन वन ई की वन माइनस ई की वन माइनस फोर बाय पाई कोस पाई बाय फोर और इसके बाद माइनस ज़ीरो लगाएंगे तो ये ज़ीरो इंटू ई की ज़ीरो माइनस ई की ज़ीरो माइनस फोर बाय पाई कोस ज़ीरो, ये आ गया, ये कैंसिल हो गया हमारा कोस 45 जो है वो वन बाय रूट टू होता है और ये वैल्यू ज़ीरो होगी माइनस वन, किसी वैल्यू की पावर अगर ज़ीरो हो तो वन होता है माइनस माइनस प्लस वन और ये कोस ज़ीरो जो है उसकी वैल्यू वन होती है और माइनस माइनस प्लस फोर बाय पाई। अब इसे सिंपलीफाई करें तो रैशनलाइज करना पड़ेगा इसे, रूट टू ये आ गया हमारा माइनस फोर रूट टू अपॉन टू पाई प्लस फोर अपॉन पाई प्लस वन, इसे टू से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये एट हो जाएगा, एलसीएम दोनों का टू पाई आ गया और जो फाइनल आंसर है ये हमारा आ गया माइनस फोर रूट टू प्लस एट अपॉन टू पाई प्लस वन। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की, 21 के अंदर इसे हम लिख सकते हैं वन का स्क्वायर और
एक्स का स्क्वायर। अब ये हमारा जो इस वैल्यू का इंटीग्रेशन है वो डायरेक्ट टेन इनवर्स एक्स, और लिमिट जो है वो वन से रूट थ्री। पुट करें तो टेन इनवर्स रूट थ्री माइनस टेन इनवर्स वन, और टेन इनवर्स रूट थ्री जो है वो पाई बाय थ्री और वन जो है पाई बाय फोर। इसे सिंप्लीफाई करें, एलसीएम जो है वो 12 आ गया, 4 पाई माइनस 3 पाई, तो हमारा आंसर जो है वो पाई बाय 12, ये हमारा आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 21 का। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं, इसे हम क्या लिखेंगे, लिमिट 0 से 2/3 डी एक्स। 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर और 9x स्क्वायर को 3x का स्क्वायर। अब 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का डायरेक्ट फॉर्मूला है 1/a टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए। अब इस पे लिमिट लगाएंगे हम 0 से 2/3, 1/2 टेन इनवर्स 3/2 इंटू 2/3 माइनस टेन इनवर्स 3/2 इंटू 0। अब ये वैल्यू कैंसिल होके 1, टेन इनवर्स 1 पाई बाय 4 और ये 0, तो 10 0, ये मल्टीप्लाई होके पाई बाय 8 जो है वो हमारा आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 22 का। और इसी के साथ हमारी 7.9 एक्सरसाइज है वो कंप्लीट होगी। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आई होगी।